हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स में। आज को डिस्कस करते हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन करो ताकि आपका जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आ रहा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में या जो भी अटेम्प्ट हो क्रैक हो जाए। देखिए, पहली चीज़ तो क्या करना है इसको बाद में देखो, पहले ये सोचो कि क्या नहीं करना है। ठीक है, वैसे भी एग्ज़ाम में अगर नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमारी गलती नॉट भी होती है, क्योंकि हम उसको अवॉइड कर देते हैं, हम नॉट देखते ही नहीं, हम टिक कर देते हैं करेक्ट वाले में। सो पहले फोकस करते हैं कि क्या नहीं करना है। देखिए, जो लोग टीचर हैं, सबसे बड़ी गलती उनसे वो होती है कि उनको ये लगता है कि मुझे ग्रामर पूरी आती है और वो ग्रामर ही नहीं पढ़ते हैं। टीचर को ये कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उनको लगता है कि नहीं यार, ग्रामर तो मुझे पूरे टिप्स में आती है, आई विल डू दैट, एकदम श्योर है। ऐसा नहीं है, जो टीजीटी पीजीटी की लेवल की ग्रामर आती है वो एक्चुअल आपको भी नहीं आती। ये मैं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और हम कहाँ फॉल्ट कर जाते हैं। नरेशन जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, मतलब 9th-12th तो रटा हुआ है कि सोते से कोई जगह के पूछ लो, हम बता दें, एग्ज़ाम में वो नरेशन आए हैं कि जिनके ऑप्शन सिमिलर हैं, सब सही हैं, अकॉर्डिंग टू यू सब सही हैं, बट उसमें भी अप्रोप्रिएट चूज़ करना था। पीजीटी का पहला क्वेश्चन था जिसकी शीट बी थी, ठीक है, और टीजीटी का भी यही हाल है। तो आपको पहली चीज़ तो आपको ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि लिटरेचर में भी क्या है ना कि लिटरेचर में आपको रटना है, यू विल डू दैट, आप रट लोगे, कहीं से भी कंटेंट मिला, कुछ भी मिला, आपने रटना स्टार्ट कर दिया, आपने रट लिया। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जान है पूरी चीज़ के। टीजीटी में एक ही क्वेश्चन बना था और उन्होंने उससे 10 क्वेश्चन बना लिए। इसमें इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, इसमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इस सेंटेंस में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। पहली चीज़ तो फोकस ऑन ग्रामर, ये मत सोचिए कि आप टीचर हैं, आपको सब आता है, आपने इंग्लिश में 97 मार्क्स अचीव किए हैं तो आप तो महारत हासिल करके आए, ऐसा कुछ नहीं है। फोकस ऑन ग्रामर, ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़िए, टेंस, वॉइसेस, नरेशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ पढ़ना। इसके बाद आ जाता है वोकैब, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टीजीटी पीजीटी एलटी DSSSB कुछ भी हो। वोकैब में क्या होता है कि वो कहाँ से पूछ लेंगे आपको नहीं पता, इसलिए एक मेरी बहुत फ्री की एडवाइस है, बैक पेपर उठा के मत पढ़ना, नहीं फंसती वो कैब। पहली चीज़ तो आपको जो क्वेश्चंस पास करना है उसके हिसाब से अगर किनारे रख दो, जो पैसे जाता है ना उसकी वो कैब भी अगर आपको नहीं आती तो आप पैसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि हिडन क्वेश्चन आते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रही ना तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, है ना, उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई इसकी सेकेंड मीनिंग क्या है, आपको नहीं पता क्योंकि आपने वो कैब पर फोकस ही नहीं किया। तो आपको वो कैब पे बहुत डीप फोकस करना, वन वर्ड्स, idioms, synonyms, antonyms, homophones, कब एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछ रही है। जैसे लास्ट टाइम वन वर्ड्स एक भी नहीं आया था, सॉरी एक आया था, और मेरे हिसाब से हाँ synonyms नहीं आया था, तो अब की बार भी लोगों ने ये दिमाग लगा लिया कि शायद नहीं आएगा, भाई ऐसा नहीं है, आ सकती हैं, हो सकता है सारी चीज़ें आ जाए। सो वो कैब पे फोकस करिए। थर्ड नंबर, पैसेज सॉल्व करिए। आप पैसेज सॉल्व नहीं करते हो, आपको लगता है कि जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 9th-10th ले लो, कि जैसे हम लोगों को पैसेज मिलते थे हम वैसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पैसेज सॉल्व करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो जो दिख रहा है ना वो पैसेज पूछते ही नहीं। अगर आपने कभी सीटेट एग्ज़ाम दिया हो तो आप समझ पाओगे कि जो सीटेट का पैसेज आता था एक्चुअल वही पैसेज का जो फॉर्मेशन है वही टीजीटी का फॉर्मेशन है, कि पैसेज में हिडन क्वेश्चन पूछना है। जैसे अब की बार जो पैसेज आया था, मैं उसका आपको एग्जांपल बताती हूँ, उसमें जो पैसेज था वो ऐसा था कि उन्होंने ये बताया कि इस एरिया में इस चीज़ की फील्डिंग, मतलब एग्रीकल्चर यहाँ यहाँ था, क्वेश्चन क्या आया था कि किस एरिया में एग्रीकल्चर डेवलप नहीं, तो ये हिडन था। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपने ऊपर की लाइन पढ़ी, आपने एक पैरा पढ़ लिया, हाँ हाँ यही है इसका आंसर, उसका आंसर एक्चुअल नीचे लिखा है। जैसे ये बोलते हैं दिस इज़ हैपनिंग इन दिस एरिया, फिर लिखा इट्स ओनली इमेजिनेशन, ये सिर्फ इमेजिनेशन थी, एक्चुअल ऐसा हुआ नहीं, बट आपने क्या किया, आपने लिख दिया कि हाँ ऐसा हुआ, तो फॉल्ट हो जाएगी। पैसेज पे आप फोकस करिए। तीन चीज़ें हो गई आपकी, ग्रामर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, वोकैब पढ़िए, पैसेज पढ़िए, है ना। इसके बाद भाई आप
लोग क्या करते हैं, आपने ना शेक्सपियर उठाया, एकदम पागल हो गए। शेक्सपियर से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, गर्ल्स वर्दी से पेपर बढ़ा था, भरा हुआ था पिछली बार का। और ऐसा नहीं कि वो पूछ रहे हैं कि गर्ल्स वर्दी का बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, उनकी वाइफ कब आई, वो कब चली गई, और उनकी मतलब भाई की वाइफ थी, ये सब कुछ नहीं आता यार। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नॉवलिटी उन्होंने लिखी है, व्हाट इज़ नॉवलिटी? अब आपको ये नहीं पता कि नॉवलिटी क्या है ना? जो लिटरेरी टर्म्स हैं उसमें बायोग्राफी का आया था, सॉरी ऑटोबायोग्राफी आया था, उसमें 4 ऑप्शन थे और उन्होंने पूछा था कौन सा करेक्ट है। 3 ऑप्शन इनकरेक्ट थे, लेकिन वो जो करेक्ट ऑप्शन था ना वो पूरा लग रहा था कि इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आए थे जैसे ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन ने लिखी थी 1630 में, आई थिंक ये 30 या 32 ऐसे ही था, पब्लिश हुई थी वो 2 साल बाद। पब्लिशिंग डेट पूछी थी, लोगों ने राइटिंग डेट पे टिक कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ये आपको नहीं करना है, आपको चीज़ों को बहुत डीप पढ़ना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने। प्लीज़ डोंट फोकस ऑन लास्ट पेपर, प्रीवियस पेपर सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आते। आप उस पर मत परेशान होइए कि नहीं यार यही क्वेश्चन आ जाएगा, ये मैं तो पढ़ लूँगा, ऐसे तो सब TGT पास हो रहे होते हैं, है ना? दूसरी चीज़ आप ये सोचिए कि आपको किस तरीके से अपने लेवल से पढ़ना है, दूसरा कैसे पढ़ रहा है इसके पीछे मत भागिए। वो कैसे पढ़ रहा है, वो ऐसे पढ़ रहा है, वो ऐसे पढ़ रहा है, डजेंट मैटर आपके लिए। और एक चीज़ और, पढ़ना सब कुछ है, डोंट स्किप एनीथिंग, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ। नॉवलिटी क्या होती है, किसने कौन सी नॉवलिटी लिखी, शेक्सपियर के किस प्ले में दूसरे राइटर भी इन्वॉल्व थे, शेक्सपियर के प्लेस को किसने बाद में कट किया, है ना? ये एक टर्म है बॉडलराइज कर देना, किसी ने बॉडलराइज किया। 18 उनके फैमिली मतलब नाम से पब्लिश किया उन्होंने, फैमिली ऑफ शेक्सपियर करके, है ना? तो वो आपको अपने अंदर इम्प्रूव करना है, सब कुछ पढ़ना है। 3-4 महीने का टाइम है अभी आपके पास, अगर आप 15 डेज भी दोगे ना हर चीज़ को, यू विल क्रैक TGT अकॉर्डिंग टू मी। TGT थोड़ा ब्रॉड है, बट आप TGT चाहो तो आप क्रैक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अपना अच्छा सा शेड्यूल बनाइए, क्या चीज़ नहीं आते हैं। शेक्सपियर को सबसे लास्ट में उठाइए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। वर्क के पीछे मत भागिए, वर्क की बायोग्राफी पढ़िए, उन्होंने किस सिचुएशन में लिखी, किसको डेडिकेट करके लिखी, उसमें क्या कौन कौन से एक्टर थे, और ये सब चीज़ें, उस कहानी में क्या चीज़ें, वो नहीं आता एग्ज़ाम में यार, उसकी बायोग्राफी आती। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपने इस तरह से लिटरेरी टर्म्स पढ़िएगा, लिटरेरी टर्म्स है, फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स, और जो अच्छा एक चीज़ और है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन एक आता है, यार एक क्वेश्चन के लिए कौन इतना पढ़ेगा। इसी तरीके से आप एक एक नंबर करके कितने नंबर स्किप कर दोगे, पहली चीज़। और दूसरी, जब मेरिट बनती है ना तो यही एक नंबर बहुत वैल्यू देता है, इसी एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप कर पूछा एक भाई कॉमन सेंस लगाओ यार, 125 क्वेश्चन आने, ठीक 125 क्वेश्चन आने, अब 125 क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो 1200 क्वेश्चन के बराबर है, तो सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही नंबर की वैल्यू रखते हैं, सारे टॉपिक एक नंबर की वैल्यू रखते हैं। इस तरह से आप क्या क्या छोड़ते चले जाएंगे, वन वर्ड से एक नंबर का आता है छोड़ दो, सिनोनिम्स एक नंबर का आता है छोड़ दो, एंटोनिम एक नंबर का आता है छोड़ दिया, फिगर ऑफ स्पीच 2 नंबर के छोड़ दिया, कितना कुछ छोड़ दिया, 10 नंबर तो आपने ऐसे ही छोड़ दिए, 10 नंबर आप गलत करके आए, 10 नंबर का आपको आ नहीं रहा था, ख़त्म कम, अब आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। 125 में अगर आप 100 टेस्ट क्वेश्चन सही करके आ रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप TGT निकल जाओगे, अदरवाइज़ जितने लोग आपको फेक में समझा रहे हैं, नहीं यार बहुत इजी होता, कुछ इजी नहीं होता है, बहुत टफ होता है। ठीक है, बस इतना भी टफ नहीं होता कि आप क्रैक न कर सको। सो पढ़ना आपको सब कुछ है, डीप पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़नी है, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़िए। थैंक यू।